आज कुछ बात फ्यूचर की कर ली जाए। बिगेस्ट फाइट इन यूएफसी हिस्ट्री इन फ्यूचर। यूएफसी में आप आगे फ्यूचर में जो सबसे बड़ी फाइट देखेंगे, खास करके वॉल्टर वेट कैटेगरी में, तो वो फाइट दो आदमियों के बीच होगी। किस किस के बीच? हमजत चिमायव वर्सेस शवकत रोकमनोव। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनका फ्यूचर में टकराना तय है, और मुझे नहीं लगता कि जब ये आपस में टकराएंगे तब तक ये एक बार भी हारे होंगे। यानी कि दो ऐसे प्लेयर जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले बहुत टाइम तक अनडिफीटेड रहने वाले हैं, और जब एक दूसरे से टकराएं भी, ज्यादा चांसेस हैं कि दोनों उस समय भी अनडिफीटेड हों। नमस्कार दोस्तों, आप यूएफसी हिंदी देख रहे हैं। हमारा चैनल यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी के कंटेंट के लिए ही बनाया गया है, तो अगर आप नए हैं, पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो लाइक करें, शेयर करें। आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं बात करूंगा कि हमजत चिमायव के लिए रोकमनोव फ्यूचर में सबसे बड़ा चैलेंज होगा, सबसे बड़ी फाइट होगी। क्योंकि यूएफसी में अगर हम अभी देखें वॉल्टर वेट में, तो एक तरफ हमजत चिमायव, दूसरी तरफ रोकमनोव, दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों के दोनों अभी अनडिफीटेड हैं, और नियर फ्यूचर में इन दोनों का मैच अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होगी जब इन दोनों का मैच होगा, इन दोनों की फाइट होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि सबसे बड़ा टेस्ट हमजत चिमायव के लिए और यूएफसी के लिए वॉल्टर वेट में आगे आने वाले टाइम में सबसे बिगेस्ट फाइट कौन सी होगी। अगर ये फाइट होगी तो क्यों होगी, और क्यों हमजत चिमायव का सबसे बड़ा टेस्ट अगर कोई ले सकता है तो वो सिर्फ यही आदमी ले सकता है, शवकत रोकमनोव। शवकत के बारे में बात करें और हमजत के बारे में बात करें, तो यहां पर दोनों की पेडिग्री एक जैसी है। यानी कि दोनों की जो रेसलिंग है वो बहुत तगड़ी है, और जो स्ट्राइकिंग है वो भी बहुत तगड़ी है। तो दो ऐसे कंप्लीट फाइटर्स आपके सामने हैं, चाहे ऑन द फीट हो चाहे ऑन द मैट हो, दोनों ही एरियाज में अपने अपोनेंट को धूल चटाने की पूरी एबिलिटी दोनों के अंदर है। आपको पता है कि कई लोगों को, कई फाइटर्स को, जैसे हमजत चिमायव को बूम जल्दी मिल गया, यानी कि वो रैंकिंग की लैडर्स काफी जल्दी चढ़ गए और टाइटल तक जल्दी पहुंच गए। लेकिन कई ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, और वो धीरे धीरे टाइटल की तरफ अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल था कि जो बहुत जल्दी टाइटल तक पहुंच जाते हैं, वो हमजत चिमायव के ऊपर फिट बैठता है। और जो धीरे धीरे अपने टाइटल की तरफ आगे बढ़े और जिसको डिनाई ना किया जा सके कि अब तो देखो कि इसकी फाइट तो होनी ही है, अब इसको रोक नहीं सकते हम, तो वो होंगे शवकत। कैसे? यहां पर देखिए आप बड़े ध्यान से। सबसे पहले शवकत की आप करियर को देखें, यहां पर 16 फाइट हैं इसकी, 16 में से 16 फाइट इसकी जीत हैं, विन हैं। और इन 16 में से आप अगर ध्यान दोगे तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होगा कि इस 16 में से 8 जो विन हैं वो नॉकआउट से हैं, और 8 विन सबमिशन से हैं, यानी कि डिसीजन एक भी नहीं है। 16 की 16 यहां पर क्या है? फिनिश है। 16 की 16 फिनिश है, और उन 16 में से 8 नॉकआउट और 8 सबमिशन। यानी कि चाहे आप ऑन द फीट हो चाहे ऑन द मैट हो, रोकमनोव को रोकना नामुमकिन है। और ऐसा ही अगर इसकी फाइट हुई हमजत के साथ, ऐसा ही होगा। वहां पर यह देखा जाएगा कि किसके अंदर विल अच्छी है, किसके अंदर पावर ज्यादा है, उसके बारे में मैं बात अभी करूंगा। लेकिन फ्यूचर के बारे में बात करें कि कैसे हमजत के सामने जब ये आएगा तो सबसे बड़ा टेस्ट हमजत का होगा। अभी बड़े ध्यान से ये देखो कि जो शवकत की अभी रैंक है वो 11 रैंक है। कितनी रैंक है? 11 रैंक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे हमजत चिमायव की 3 रैंक है। अभी पिछले एक साल में खमजत अननोन था, अननोन से सीधा रैंक 3 तक पहुंच गया है। ये चैंपियन है एडवर्ड, नंबर 1 रैंक है उस्मान की, 2 पर है कोविंगटन, और 30 पे है, 3 पे है चिमायव।
लेकिन शवकत रोकमनाव अभी 11 नंबर पर है। कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। अभी शवकत को टॉप 5 में पहुंचना होगा पहले, और टॉप 5 तक पहुंचने में कम से कम उसे 2 फाइट और लगेंगी। कितनी? 2 फाइट और लगेंगी। टॉप 5 में पहुंचने के बाद बेल्ट को चैलेंज करने के लिए कम से कम उसे टॉप 5 के अंदर 2 फाइट और जीतने पड़ेंगी। तो कम से कम अभी 4 या फिर 5 फाइट्स दूर हैं शवकत रोकमनाव इस नंबर 1 कंटेंडर बनने के। जैसे ही नंबर 1 कंटेंडर वो बना, तो यहां जो चैंपियन होगा उसके साथ फाइट होगी, किसकी? शवकत की। तो अभी खमजत जो है वो कम से कम मैक्सिमम 2 या 3 फाइट और ले सकता है यहां पर चैंपियन बनने में। तो लगभग आप 2 साल के अंदर ही लगाकर चलो, 2 ईयर्स के अंदर। 2 साल तो मैंने बहुत लंबा समय बोल दिया, लेकिन ज्यादा समय ही बोलना चाहिए ताकि जो आप समय बोलो उसके अंदर ही हो जाए। तो मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको खमजत चिमायव यहां पर चैंपियन की जगह पर पहुंचा हुआ दिखेगा, और ये रैंक 11 का शवकत रोकमनाव यहां पर पहली पर पहुंचा हुआ दिखाई देगा। और तब क्या होगा? तब वही होगा जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। क्या? बिगेस्ट फाइट इन दी यूएफसी फ्यूचर। यूएफसी के फ्यूचर में सबसे बड़ी फाइट तभी होगी, क्योंकि उस समय पर दोनों अनडिफिटेड, दोनों के दोनों के पास पूरी पावर, चाहे मैट पर हो चाहे ग्राउंड में हो। और ये हमजत का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। चांसेस अगर मैं आपको बताऊं तो रोकमनाव के पास हमजत से भी ज्यादा टूल्स हैं जीतने के, क्योंकि अगर रेसलिंग में देखे जाए, रेसलिंग देखी जाए तो हमजत से कहीं भी कम रोकमनाव की नहीं है। लेकिन स्ट्राइकिंग को अगर देखें तो स्ट्राइकिंग जिस लेवल की रोकमनाव की है, उस लेवल की अभी खमजत की मुझे नहीं लगती। वैसे खमजत मेरा फेवरेट फाइटर्स में से एक है, लेकिन यहां पर अगर आप मैचअप देखोगे तो इसे बोलते हैं कांटे की टक्कर। तो 2 साल के अंदर आपको ये बिगेस्ट फाइट देखने को मिलेगी। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग लगी या नहीं? जरूर इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि हिंदी में एक चैनल निकलकर सामने आया है हमारा, जो आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी लेकर आ रहा है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं वो भी जरूर बताएं कि फ्यूचर तैयार हो रहा है या नहीं। और अगर सबसे बड़ा टेस्ट हमजत का होगा, वो रोकमनाव के खिलाफ होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। पोलो कोस्टा हो, चाहे डेनियल विटोरी, डेनियल नहीं, आपके विटोरी हो, तो विटोरी हुआ, कोस्टा हुआ, चाहे विटेकर हुआ, ये मुश्किल होगा हमजत के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो रोकमनाव ही पेश करेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी करें, ताकि हमारी फैमिली जो धीरे धीरे बढ़ रही हैं वो और ज़्यादा स्पीड से बढ़े। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। खुदा हाफिज़। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। टाटा।